पञ्चाकल्पदुर्गस्य कृपासिन्धुनैव च कथितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अवदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभाय सुखदेवी प्रणमामि हरि वृन्दाय तुलसीदेवी प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रददेवी सत्यवतै नमो श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्रियाद्वैतगदाधरशिरोसादि गौरभक्तवृन्द बल हरे कृष्ण 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 हरि हरे हरि राम 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 सर्वप्रथम वैगुरुपाद पद्म मित्रिला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म मित्रिला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। कहते ये जो ग्रंथ है ये ग्रंथ भी लेकिन वो हरिनाम किससे सुननी चाहिए? कहते हरिनाम वैष्णव सही हरिनाम सुननी चाहिए। बोले कथा किससे सुननी चाहिए? बोले वैष्णव से ही कथा सुननी चाहिए। तो इसके लिए उदाहरण दिया था, अवैष्णव मुखत गृणम कृतम हरि कथा मृतम सर्पोत्तिष्ट यथा श्रवणम श्रवण नैव कर्तव्यम सर्पोत्तिष्ट यथा भयम। अवैष्णव का मुंह से भगवान की कथा सुनने से जैसे कि दूध है, दूध पीने से तुष्टि पुष्टि उदान वृद्धि शरीर में ताकत आता है। लेकिन वही दूध को जब कोई सांप मुंह मार देता है वो देखने के लिए तो लगता है दूध, लेकिन अगर वो दूध को पियो ना पूरा के पूरा उल्टा लिया से वो मृत्यु का कारण बनता है। जब उसी तरह भगवान कथा तो अमृत है तब कथा मृतम, इसलिए कथा को अमृत बताया गया। कई कई कथा को रसायन बताया। कथा माता देवती को जब श्री कपिलदेव कह रहे ही भगवान की कथा भगवान के नाम से बल रसायन कथा है, भगवान की कथा रसायन है। भगवान की जो नाम ही तो क्या है? कहते नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामी। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न नहीं, स्वयं कृष्ण ही है, रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। लेकिन वही कृष्ण कथा वही कृष्ण नाम जब हम किसी अवैष्णव से कथा सुनते हैं जो वैष्णव मंत्र से दीक्षित नहीं, जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, अगर कथा सुनते तो वो देखने के लिए तो लगता है जैसे कथा ही, लेकिन उससे लाभ ना नहीं होगा क्योंकि वो जहर जहर का काम करेगा। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते थे ये कान एक दोना है। जब ठाकुर ने कान को दोना जैसे बनाया, बोले दोना क्यों बनाया? जैसे हम किसी दोने में को पान करते हैं उसी तरह ये कानों में कृष्ण नाम और कृष्ण कथा उसमें पान करनी चाहिए। इसलिए भगवान ये कान को गुणा जैसे बनाया, इसलिए
कथा केवल वैष्णव से ही कथा सुननी चाहिए। और एक शास्त्र के श्लोक उदाहरण देते हैं, अवैष्णवोपदिष्टेन मंत्रेण निरयम् व्रजेत् पुनश्च विधिनां समग्र ग्राह्यात् वैष्णवात्। और एक पुराण से जैसे हरिभक्ति विलास से उदाहरण दिया है, कहते भगवान का जो मंत्र कहाँ से ग्रहण करनी चाहिए, जहाँ तहाँ भगवत मंत्र ग्रहण नहीं करनी चाहिए, भगवत मंत्र केवल वैष्णव से ही ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए ये चार वैष्णव संप्रदाय हैं, श्री ब्रह्मा रुद्र और सनक, ये चार वैष्णव संप्रदाय। इसलिए पद्म पुराण में बताता है संप्रदाय विना जे मंत्रास्ते विफलता, अतः कलो भविष्यन्ति चत्वार संप्रदायिनः, श्री ब्रह्मा रुद्र सनक वैष्णव इति भावना कलो चत्वारस्ते कलो भाव्या उत्कले पुरुषतमा। कहते पद्म पुराण में बताए, कहते संप्रदाय विना जे मंत्रास्ते विफलम, ये चार वैष्णव संप्रदाय है, अगर ये चार वैष्णव संप्रदाय को छोड़ करके अगर कहीं और मंत्र कोई ग्रहण करता है तो मंत्र निष्फल हो जाए, वो मंत्र लेने पर भी वो मंत्र का कोई फल नहीं मिलेगा। बोले क्यों? बोले इनका कोई संप्रदाय नहीं। तो यहाँ प्रश्न होता है, अरे भगवान की भजन करना, भगवान का नाम जैसे तैसे लो ना, इस संप्रदाय का क्या जरूरत है? कहते नहीं, इसका नाम है संप्रदाय। संप्रदाय का मतलब क्या? सं मतलब सम्यक रूप में, प्र मतलब पूर्ण रूप में, प्रकृष्ट रूप में, बोले दा बोले दाने, जो संपूर्ण रूप में पूर्ण रूप में भगवान को जो दान करते हैं। और ये जो चार वैष्णव संप्रदाय, ये भगवान से है। जैसे हमारे संप्रदाय में हम जो गोपाल मंत्र जप करते हैं, वो मंत्र आया कहाँ से? सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को बंसी ध्वनि होकर हमको प्रदान किया। अरे वही ब्रह्मा जी उसी मंत्र को जप करके विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि किया। अरे ब्रह्मा जी यही मंत्र नारद जी को दिया। अरे नारद जी अरे व्यास देव को दिया। अरे व्यास देव अरे मध्वाचार्य को दिया। करते करते ये गुरु परंपरा माध्यम से ही ये मंत्र धीरे 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 अरे विश्व पास में आए, बोले श्री महाप्रभु के पास है। अरे महाप्रभु अरे श्री सनातन गोस्वामी आदि भक्तों को प्रदान किए। अरे वही मंत्र धीरे 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 जीव गोस्वामी नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास, उसके बाद में विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर बलदेव विद्या भूषण, अरे भक्ति विनोद ठाकुर है प्रभुपाद, प्रभुपाद के बाद में श्री भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज, भक्ति श्री रूप श्रद्धाजी गोस्वामी महाराज। कहते ये मंत्र भगवान से ये गुरु परंपरा के माध्यम से ये मंत्र आ रहा है। अगर किसी मंत्र को कोई जप करेगा शास्त्र उसको ज्ञान कितना है, एक दिन जरूर भगवान के पास में पहुँचे। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे कोयला का डिब्बा हो, अगर एक कोयला का डिब्बा अगर मेन इंजन के साथ में जुड़ जाए ना, देखना वो सही जगह पर पहुँच जाएगा। लेकिन ये सोने के डिब्बा हो लेकिन ये सही इंजन में जुड़ा हुआ नहीं, देखना वो जहाँ के जहाँ बैठ जाए पहुँच नहीं पाए। इसलिए सही इंजन के साथ में हमें जोड़नी चाहिए। अगर लाइफ में सही लाइन में खड़े होंगे ना, एक दिन तक नंबर आ ही जाएगा। अगर बे लाइन से अगर खड़े हो गए जितनी दूर खड़ी जाए, लेकिन तथाकथित जो अलग अलग कोई भगवान का नाम निकाल देता है, अलग अलग संप्रदाय निकाल दिया, अलग अलग मंत्र निकाल दिया, ये पद्म पुराण कहता है वो मंत्र ग्रहण करने से संप्रदाय विहीना जे मंत्र हस्ते है विफला पता। संप्रदाय छोड़ करके अगर और कहीं मंत्र ग्रहण करेगा तो कहते जो मंत्र है वो निष्फल हो जाएगा। इसलिए शुद्ध वैष्णव संप्रदाय से ग्रहण करने चाहिए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अवैष्णव उपदेश करने मंत्र न निरंतर, हम जिससे मंत्र ग्रहण करते हैं अगर वो वैष्णव नहीं है, अगर वहाँ से मंत्र ग्रहण किया तो
फिर ऊपर क्या जाओ नीचे जाओ निरय फिर नर्क जाओ वो मंत्र ग्रहण कर उसमें तुम नर्क जाओ फिर क्या करनी चाहिए। अगर फिर हमें बाद में पता चला नहीं कि तो कोई शुद्ध वैष्णव संप्रदाय है अपना मन मर्ज तो मंत्र दे है? जैसे कुछ कुछ लोग बोलते हैं ना हजार हजार लोग लाख लाख लोग बैठे हुए कुछ लोग ऐसे थे जो कि पांच मंत्र बोलते थे शंकर जी की दुर्गा जी की हनुमान जी की गणेश जी की भगवान विष्णु जी बोले जिसका जो मंत्र है ना जो जिसको पूजा करते बस मंत्र ले लो वो मंत्र ले लो तुम्हारी सिद्धि हो जाए। जानते हैं जगत में कोई भोले बाबा को पूजा करता होगा कोई माता जी को कोई गणेश जी को कोई कृष्ण जी को पूजा करते होंगे किसी ना किसी को पूजा करते होंगे बस मंत्र देते पर ये जो मार्ग है ये अत्यंत अत्यंत भ्रमित मार्ग है। जैसे हमारे संप्रदाय में हम लोगों को कृष्ण मंत्र राधा कृष्ण का मंत्र मिले अगर कोई हमें और किसका मंत्र मांगे तो फिर हम वो मंत्र हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमें वो मंत्र मिला ही नहीं गुरु परंपरा से। गुरु परंपरा से जो मंत्र मिला हुआ वह मंत्र को हम दे सकते हैं है? और किसी मंत्र हम दे नहीं सकते। इसलिए पुनः विधिना समग्र ग्रहयात वैष्णवात् पुनः विधि विधान को साथ में हमें वैष्णव गुरु ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग कृष्ण प्रेम जन्म पुण्य महाकृपा बिना पूर्ण कर्म भक्ति नहीं कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नायक साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कहे लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि। यहाँ पर कह रहे हैं जो कृष्ण भक्ति का जो जन्म और जो मूल है ये साधु संग जब तक हम शुद्ध भक्तों का संग नहीं करेंगे क्योंकि ये कृष्ण भक्ति को मिल नहीं सकते उसका जो जन्म और जो मूल है वो साधु संग है। इसलिए कहते हैं भक्तिस्तु भगवत भक्त संग न बन जाएगी। भक्ति कहाँ से मिलेगी तो भक्ति भक्तों का संग से ही भक्ति प्राप्त होती है और कोई उपाय नहीं। इसलिए बोले महत कृपा बिना कौन कर्म जब तक किसी महान साधु के चरण को हम आश्रय ग्रहण नहीं करते तो किसी तरह से भगवत भक्ति हो ही नहीं सकता। इसलिए बोले साधु संग सर्वशास्त्र कह लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि हर शास्त्र में साधु संग साधु संग की महिमा कहते हैं। अगर एक लव अगर जीवन में साधु संग हो जाए सर्व सिद्धि हो जाए। देखो एक श्लोक भी याद कर ठीक है आज आपको एक लाइन याद कर अब साधु संग अब भी एक कापी रख लेना ठीक है कापी रख करके रोज रोज एक एक लाइन रोज रोज याद कर फिर देखना एक महीना में कितना हो जाएगा एक महीना में कितना याद हो जाएगा और तुम भी ठीक है अब उसको कथा के बाद उसको लिख करके ले जाए। इसलिए कहते अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय सर्वन मुखे जुहादो स्वयमेव स्फुरत। अतः श्री कृष्ण नामादि भगवान की जो नाम रूप गुण लीला न भवेद ग्राह्य इंद्रिय जड़ इंद्रियों को द्वारा हम इसको ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि भगवान अप्राकृत है भगवान से ये अभिन्न कहते पर प्रभु का नाम उच्चारण कैसे होगा बोले उच्चारण होने का एक उपाय ही बोले सर्वन मुख ही जीवा जब हमारी जो जीवा सर्वन मुखी वृद्धि होगी तभी भगवत नाम उच्चारण हो सकता है। जैसे आप देखो अब हरि नाम लेकर बैठो अब हरि नाम लेकर बैठो भजन करने के लिए आपको क्या याद आएगा अपने जिंदगी भर जो यही तो याद आएगा आंख बंद बैठ करते हैं अपना बीवी बच्चे नाती पोती दुनिया घर क्योंकि हम जीवन में वही किया ना अजय हरिनाम करने के लिए बैठेंगे हम वही याद आएगी। लेकिन जब हम वृत्ति सेवन मुख्य होता है जैसे मंदिर में ठाकुर को सेवा करते हो ठाकुर जगाते हो फल भोग लगाते हो मंदिर साफ करते हैं
तहसील बनाते हैं। अब देखना जब हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, जब बैठोगे फिर किया जाता है हरे। अब जब ठाकुर को जगह में समय हो गया, ठाकुर को तो भोग लो, फल भोग लगाना। अभी क्या फल है मंदिर में, कौन सा फल है, क्योंकि याद आएगा अरे अभी तो मंदिर साफ करना, अभी तो फल अलमिया करना। और ठाकुर जी के जब हरिनाम करने के लिए बैठेंगे ना, फिर आपका दिमाग में क्या घूमता रहेगा, ठाकुर की सेवा, ठाकुर जी की सेवा। अगर सेवा नहीं करेंगे ना, फिर माला लेकर बैठेंगे तो फिर तो जीवन में जो जो करते करते आए फिर वही वही याद हो। इसलिए कहते हैं हमारी वृत्ति सेवन मुखी वृत्ति होनी चाहिए, सेवा करने की हमारी भावना होनी चाहिए। फिर क्या होगा, नाम करते समय जो करके तो वही याद आएगा जो करेंगे। इसलिए एक समय कुछ साधु आ गए भजन करने के लिए, घर बार छोड़ करके, कहाँ बोले सूर्य कुंड, वहाँ पर श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज थे। बोले बाबा जी महाराज हमें अष्टकालीय लीला है हमें सिखा दो, आठ काल में तो ठाकुर जी के आठ पीरियड में जो लीला होता है उसको सिखा दो, और हम घर बार छोड़ कर भजन करने के लिए। लेकिन जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज सिद्ध बाबा वो सब जानते हैं मन की कथा, वो माला लग रही दिन भर बैठ कर भजन के लिए। जब खेती करो, खेती में बैगन लगाओ, मिर्च लगाओ, साग सब्जी लगाओ, हैं, क्योंकि जो साग सब्जी होगा अभी वो कहाँ किसके सेवा में लगेगा, अपने ठाकुर के सेवा में लगेगा। फिर उसके बाद में साधु वैष्णव का सेवा में लगेगा, फिर तुम्हारी कुछ सुकृति बनेगी। फिर सुकृति जब बनेगी फिर भगवान की भजन करोगे, क्योंकि अभी अभी घर छोड़ करके आए हो, अगर कोई सेवा नहीं करके कहीं में माला लेकर बैठ जाओगे ना, फिर तुम जो करते करते आए वही क्या होगा। जिसके लिए हमें एनर्जी देंगे, जिसके लिए हमें एनर्जी देंगे, हम तो दिमाग तो वही वही तो सोचेगा ना। जब एनर्जी ठाकुर के लिए देंगे, गुरु वैष्णव के लिए देंगे, फिर क्या होगा, मन भगवान की सेवा में लगेगा, फिर ठाकुर को चिंतन में लगेगा। नहीं तो जिसमें एनर्जी देंगे बोले जा खेती करो, तो उन्होंने बोले ये बाबा अनपढ़ है, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जो है ना वो बड़े शिक्षित है, लिखे पढ़े करते, अरे इनको कुछ आता ही नहीं, अनपढ़ है। जब भक्ति विनोद ठाकुर आएगी कुछ करके बताएंगे, भक्ति विनोद ठाकुर आए तो उनको बोले भक्ति विनोद ठाकुर जी हम तो भजन के लिए यहाँ पर आए, और ये बाबा कहते हैं खेती में बैगन और साग सब्जी लगाओ, हम तो घर में तो यही करते थे, और यहाँ आकर कहते यही करो। तब उन्होंने बोले देखो पहले जो करते थे ना संसार के लिए करते, संसार के लिए करते थे, यहाँ पर जो कुछ करोगे ठाकुर जी के लिए करोगे, भगवान के लिए, गुरु वैष्णव के लिए करोगे। जब गुरु वैष्णव के लिए करोगे, अब देखना आप जिसके लिए करोगे ना, जिसके लिए दोगे, जिसके लिए करोगे, आपका धीरे धीरे ममता वृद्धि उसमें लगेगी अपने आप। ये स्वभाव जिसके लिए करोगे मन उधर जाएगा, अगर भगवान के लिए वैष्णव के लिए करोगे मन उधर जाएगा। लोग जो कह रहे हैं ठीक है जाओ बैगन लगाओ, पेड़ लगाओ, साग सब्जी लगाओ, ठाकुर का सेवा में लगेगा, भगवान के भक्तों की सेवा में लगेगा, सुकृति होगा, तब तुम भजन कर सकते हो, तुम्हारे सुकृति है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं बोले सेवन मुखे जुहा दो स्वयं मई स्वतः, जब हमारी वृत्ति सेवन मुखी वृत्ति होगी फिर तो स्वतः है भगवान का नाम हमारे जीवन में उच्चारण होगा, है अपने आप उच्चारण होगा, भगवत नाम करने में अपने आप हमारे कुछ लगे। इसलिए क्या करनी चाहिए, बोले सेवा सेवा की हमारे अंदर में सेवा की भावना रहनी चाहिए। जो मेरे गुरुदेव बोलते थे देखो जो ब्रह्मचर्य जीवन है ना, अगर दिन भर गुरु वैष्णव ठाकुर का सेवा में लगे रहोगे तो तभी ये जीवन बीतेगा, नहीं तो जीवन सहज में नहीं बीतेगा। क्यों, एक व्यक्ति जब संसार में रहता है आप देखना दिन भर संसार का काम करते हैं, फिर जब काम करके फिर घर में आते हैं ना, फिर पत्नी बोले इतना लेट क्यों किया, घर पे सब्जी नहीं, बच्चे अभी ट्यूशन पढ़ा के पड़ गया, बच्चा एक पेपर आ गया, अभी ये साग सब्जी नहीं, चावल नहीं, हल्दी नहीं है, अभी बिल भरना जाना पड़े, हम करते कि नहीं, दिन भर करते ना संस्कार दिन भर करते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते उसी तरह जब हम गुरु वैष्णव भगवान के लिए करेंगे हैं, उन्हीं के लिए करेंगे क्या होगा, संस्कार बनेगी, संस्कार बनेगी, गुरु वैष्णव भगवान के लिए करोगे क्या होगा, स्वभाव के रूप में उन्हीं में ही मन लगेगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं एक भक्त का क्रिया
और एक विषय का क्रिया देखने में तो एक ही लगता है, एक संसार की व्यक्ति देखना दिन भर काम करता है, दिन भर परिश्रम करता है, एक भक्त भी परिश्रम करता है, लेकिन ऊपर में देखने के लिए लगता है एक, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं अंदर में देखोगे ना आकाश जमीन फर्क है। एक तो भगवान के लिए गुरु वैष्णव के लिए करता है और एक संसार के लिए करता है, एक संसार के लिए और एक श्री ठाकुर जी के लिए करते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो भगवत जो नाम है, जो भगवान की भक्ति है, यहाँ पर और एक बात कह रहे हैं, जैसे जैसे कथा को जैसे रगड़ी करके सुनते हैं, जैसे कई कथा रगड़ी सुनते हैं, कहते उसमें लाभ तो है, लेकिन जितना लाभ डायरेक्ट बैठ के कथा में हो उतना लाभ नहीं है। यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं, उदाहरण दिया जैसे एक नारद यात्रा में नारद एक कभी पाठ करता है और एक श्री नारद स्वयं एक पाठ कर रहा है नारद जी का है, क्योंकि पाठ इसलिए कर रहा है वो लोग को दिखाने के लिए पाठ कर रहा है, वो पैसा कमाने के लिए एक ड्रामा करता है, लेकिन एक सचमुच से नारद है जो अपना जीवन में जो बोलते हैं जो करते हैं संपूर्ण भगवान के, इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, इसलिए जो डायरेक्ट गुरु वैष्णव के सामने बैठ करके जितने लाभ होगा उतना लाभ नहीं होगा, रिकॉर्डिंग करके जैसे वीडियो में देखना उतना लाभ उसमें नहीं है, लेकिन ज़्यादा लाभ है। इसलिए गुरुदेव जब मथुरा में कथा करते थे, देखो गुरुदेव जब कथा करते थे, अगर कोई गुरु जी की थोड़ा पीछे बैठ जाता है गुरुदेव कहते थे नहीं सामने बैठो, गुरुदेव जब कथा करते हैं जब सामने बैठते हैं उनका आँखों से है कहते हैं उनकी आँखों से जो कृपा बरसती है, उनको सामने बैठने पर जो कृपा बरसती है जो डायरेक्ट कृपा होती है उसका अलग बात है। इसलिए कथा का समय में थोड़े पीछे भी बैठ जाए गुरुदेव उसको पसंद नहीं करते, तो सामने बैठो, सामने बैठ करके कथा सुननी चाहिए, तभी वो दिव्य ज्ञान को पूर्ण रूप में हम आहरण कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं फिर जो भगवत नाम है कहते श्रुति स्मृति पुराणेषु नाम महात्म बाजीषु जे अर्थवाद इति ब्रूयुन तेषां निरय भय। यहाँ पर कहते हैं कहते कभी कभी जैसे नाम की बड़ी महिमा है, कहते ना एक कृष्ण नाम जतो पाप हरे पापी र साधन आई तत्व पाप है, बंगला समझते हो, कहते एक कृष्ण नाम में इतने शक्ति वो इतना पाप हर लेता है, बोले पापी का हिम्मत नहीं उतना पाप कर सकता है, उसका हिम्मत नहीं इतना पाप कर सकता है, एक कृष्ण नाम में इतने हैं पाप हरण कर लेता है। इसलिए कहते हैं ना मधुरम मधुरम मृतक मंगलम मंगला नाम सकल निगम बलि सत्फल चित स्वरूपम, बोले सकृदपि परिणीतम श्रद्धया हलयाबा भृगुवर नर मात्र तार एक कृष्ण नाम। कृष्ण नाम की महिमा कह रहे हैं ये मधुर से भी मधुर है और ये मंगल से भी मंगल है। सक्रिय सक्रिय मतलब एक बार श्रद्धया हलयाबा श्रद्धा पूर्वक हो, नहीं तो निगलेट पूर्वक भी हो हिला पूर्वक हो, अगर एक बार कृष्ण नाम उच्चारण हो जाए तो बोले नर मात्र तारे ये प्राणी मात्रों को ही ये त्राण कर लेता है, प्राणी मात्रों के लिए उद्धार कर लेता है, इतने शक्ति ये कृष्ण नाम में इतने शक्ति। अगर कोई इसको सुन करके बोले अरे ये सब थोड़ी सही है, इस नाम की महिमा को ना बढ़ा चढ़ा करके बोल देते हैं, क्योंकि नाम की महिमा को बताने के लिए थोड़ी ऐसे होता है, अगर ऐसे कोई बोले ना कभी ये नाम अपराध, ऐसे व्यक्ति का संग से दूर रहनी चाहिए। यहाँ पर ऐसे प्रभुपाद कहते हैं ऐसे व्यक्तियों से दूर रहनी चाहिए, अजामिल कितना पाप किया था, पाप किया था, लेकिन अंतिम समय में वो भगवान को नहीं वो अपना बेटे को बुलाया, अपना बेटे को नारायण बुलाया वो भगवान को भी नहीं, लेकिन एक बार बेटे को बुलाया तो जमदू तो आए थे पर विष्णु दूत आए और विष्णु दूतों ने तर्क वितर्क के द्वारा उन्होंने उनके सारे आर्गुमेंट को खत्म कर दिए और उनको वहां से बचा लिया। अगर कोई बेटे का नाम को उच्चारण करते हुए अगर उनका नाम लिखा है
तो उसको गिन सकती है। अगर अगर कोई श्रद्धा पर अगर नाम ले पर उसको कितने शक्ति नहीं होगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ऐसे व्यक्तियों से दूर रहनी चाहिए जो नाम प्रति जिनका विश्वास नहीं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं प्रभुपाद कि कुछ अच्छी अच्छी बात प्रभुपाद बता रहे हैं। इसका नाम बताए नाम भजन निपुण सिद्धांत और रहस्य। अब इसका जो भगवान के नाम भजन का जो निगुण सिद्धांत और उसका रहस्य बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। कहते सतगुरु पदास रहे साधक भक्तगण कर्म ज्ञान योग ध्यान अन्न देवा देवी पूजा दी परित्याग पूर्वक साधु संग एकमात्र हरि नाम ही श्रवण कीर्तन करवे। कहते हमको भगवत नाम कैसे करनी चाहिए। पहले तो हमें सतगुरु का चरण आश्रय करके ज्ञानी कर्मी योगी ध्यान व अन्य अन्य देवा देवियों को पूजा को परित्याग करके जो शुद्ध भक्त जो श्रवण कीर्तन कराते हैं ये शुद्ध भक्तों के साथ में ये श्रवण कीर्तन करनी चाहिए। सबके साथ में ज्ञानी कर्मी योगी भोगी इनको साथ में शुद्ध भक्तों को साथ में करनी चाहिए। कहते क्यों बोले जेहेतु एकमात्र हरि नाम ही यही सकल पूजा दिन फल और सर्वसिद्धि है। इसका कारण बता रहे हैं केवल भगवान के नाम को द्वारा ही कि जितने ज्ञान कर्म योग भोग जो कुछ है। कहते एकमात्र प्रभु का नाम को जो आश्रय ग्रहण करते हैं सब कुछ उससे मिलता है। इसलिए बोले इसलिए एक श्लोक में बताए क्या श्लोक है दैवेन दीपक ईश्वर मूर्ति उसके बाद में मुक्ति स्वयं मुकुता जली सेवत आसमान धर्म अर्थ काम समय प्रतीक्षा। इसलिए भगवत भक्ति स्थिरता अगर भगवान की भक्ति में प्रभु का नाम अगर आपकी मन स्थिर हो गया उसको तरह क्या होगा बोले दैवेन दीपक ईश्वर मूर्ति बोले साक्षात भगवान का जो दीपक ईश्वर मूर्ति उसका हृदय भगवान कृष्ण। जब भगवान कृष्ण की दिव्यम प्रकट होगी उसको तरह क्या होगा बोले धर्म अर्थ और काम है जितना धर्म जितने तरह का जगत में धर्म है और जितने ज्ञान कर्म जितने सब भोग का जितने विषय वस्तु कहते धर्म अर्थ और काम समय प्रतीक्षा। वो कहते हैं समय प्रतीक्षा करते कब भक्त हमें कृपा करके थोड़ी सी भगवान की सेवा में लगाए। और मुक्ति बोले मुक्ति स्वयं मुकुंदा जल्दी सेवा मुक्ति तो दरवाजा के बाहर गेट में वो हाथ जोड़ करके खड़ी रहती है तब मेरे को कृपा करके भक्त हमें भगवान की थोड़ी सी सेवा मिले। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो नाम निष्ठ जो भक्त है उनको नाम का प्रति दृढ़ विश्वास करने चाहिए। इसलिए प्रभु का नाम का प्रति दृढ़ विश्वास करके इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए। अरे नाम क्या होगा आपको बड़ी कृपा नहीं करेगा नाम हमें कृपा नहीं करेगा बोले जाओ ज्ञान के तरफ में ना योग के तरफ में भोग जाओ तुम जाओ। इसलिए नाम हमारी पर कृपा नहीं करेगी। इसलिए हमें संपूर्ण रूप में इसलिए नाम को क्या बताया नाम चिंता नहीं ये चिंता नहीं नाम ही हमें जीवन में सब कुछ दे सकते हैं। इसलिए हमें नाम का प्रति हमें विशेष निष्ठा ये नाम का प्रति होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भजन रहस्य से एक श्लोक को उद्धृत किया है बोले मन सहरणम शौचम मौनम मंत्रार्थ चिंतनम अप्रदत्तो मनिर्वेद जप संपत्ति हेतव। यहाँ पर कह रहे हैं जब प्रभु का नाम हम जप करें कहते नाम हमें कैसे जप करनी चाहिए। इसमें नाम जप की पद्धति बता रहे हैं एक बार हाथ उठा कर बोलो बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 सात पचास
ये श्लोक को ध्यान से सुनो। कल मैं सबको पूछूंगा कि नाम कहाँ से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, किस रूप में करनी चाहिए, सबको सब थोड़ा मेरे को थोड़ी थोड़ी सबको बोलना पड़ेगा, ठीक है। आज जो मैं सुना रहा हूँ कल आपसे थोड़ी थोड़ी सुनो, ऐसे सुनो जैसे दूसरे दिन थोड़ी सी बता सकते हो, ठीक है ना। कल उसको अच्छे तरह से ऐसे सुनो जैसे कल मेरे को मैं बता सकता हूँ। मैं यहाँ पर बता रही थी ये हरिनाम तो चिंता में जो मांगो जो चिंता करो हरिनाम अपने कोई दे देता है। कद हरिनाम सर्वसिद्ध देने वाले, हरिनाम भगवत स्वरूप। यहाँ भी प्रश्न होता है फिर हम माला जब करते करते हमारी माला खाली हो गई, लेकिन अभी तक ये हरिनाम हमें क्यों दे रहे, क्यों नहीं दे रहे कद हरिनाम, फिर हमें क्यों नहीं दे रहे हरिनाम। तब यहाँ पर हरिनाम करने का जो विधान है ये भजन रहस्य में हरिनाम हमें कैसे करनी चाहिए ये श्लोक को उदाहरण उद्धृत करके प्रभुपाद कह रहे हैं। बोले कैसे करनी चाहिए, बोले जप काले मन के एकाग्र भाव लय नामार्थ चिंत सदा कर्जाश्रय करी नामित आदर करी कृष्ण नाम स्मर। कहते हरिनाम करते समय कैसे करनी चाहिए, दस दस तरह का अपराध में एक अपराध है जब हम हरिनाम करें, जब हम हरिनाम करते हैं तब मन एकाग्र होनी चाहिए। इसलिए उसमें एक अपराध हरिनाम करते समय मन और कहीं जा रहा है ये नामक अपराध है। इसलिए वहां पर बताएगा आगे आगे बोलेंगे बोलेंगे नाम को जप कैसे करनी चाहिए, नाम जप करने का पद्धति इसका पद्धति है। एक जगह पर बैठकर हम जो घूम घाम कर करते हैं ना माला पूरी करने के लिए कभी इधर, लेकिन जो नाम जप करने का जो विधान है ये विधान घूम फिर करके नहीं, क्योंकि जब हम हरिनाम करते हैं हमारा आँख इधर देखता है उधर देखता है इधर सारी दुनिया को देखता है, हरिनाम में मन ही नहीं, मन तो और कहीं कभी एक तरह का नाम अपराध। इसलिए नाम जप करने का जो विधान है एक जगह पर बैठ करके हरिनाम को मन लगा कर करनी चाहिए, ये नियम है। इसलिए हमारे सिलो भक्ति के नाम से लोग नारायण गोस्वामी महाराज वो जो हरिनाम करते कैसे करते थे, वो उठ जाते थे दो ढाई बजे। अभी हमने सुना वृंदावन में भी, वृंदावन में भी परमेश्वर प्रभु अभी अभी ऐसे कराते कराते कोई दो ढाई बजे तीन बजे उठ करके मंगल आरती होने से कोई कोई सोलराम कर लेता है, कोई बत्तीस बत्तीस लाभ कर लेता है, ऐसे करते हैं कथा में पूछते हैं पूछते हैं कौन कितने माला या है कहते कहते ना बड़े दिन तक कभी कभी हम माला करते करते हम देखना बड़े दिन हो जाते हैं कोई अनुभव नहीं होता, फिर तो कोई कोई इधर उधर होगा अपना भजन भजन छोड़ के घर चले जाते। इसका कारण क्या है, बोले कारण है बोले जेरू पे लाइट है नाम प्रेम हो जाए तहार स्वरूप लक्षण बोले जैसे हरिनाम करने से प्रेम उत्पन्न होता है उसका लक्षण सुना उसका पद्धति सुनो। देखो अगर सही से यहाँ बैठ करके रो रो करके आपस आंसू का हरिनाम करो जरूर कुछ अनुभूति होगी, और जब वो अनुभूति होगी ना कोई कोई कहते ना अरे सब कुछ नहीं होता है इतना दिन तक मैं देख रहे क्या मिला उसमें चला गया उसमें चला गया क्यों गया, इसका मतलब क्या नाम में है क्या कमी है ना अपना अंदर में कमी है, ये नाम में कोई कमी ना अपना अंदर में कोई कमी है। कारण है जैसे हरिनाम करने चाहिए रो रो करके पुकार पुकार के हृदय से, हमने देखा हमारे भक्तिवेद नारायण गोस्वामी महाराज जब हम वृंदावन में रहते थे जब मथुरा में गुरुदेव का कुछ सेवा किया है मैंने गुरुदेव को देखा हरिनाम कैसे करते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे, ऐसे हरिनाम गुरुदेव करते थे पुकार पुकार करके हे राधे हे कृष्णा हम आपका ही नित्य सेवक है, लेकिन आपको भजन भूलने का वजह से संसार था ये दुर्गति हुआ पुनः हमें अपना चरण की सेवा और हमें भक्ति प्रदान करो। इसलिए नियम है हरिनाम करते समय हृदय से पुकार पुकार कर रो रो कर हरिनाम करनी चाहिए, आप ऐसे हरिनाम करो निश्चिंत रूप में आपको अनुभूति होगी, अगर वो अनुभूति होगी ना वो व्यक्ति कभी भजन नहीं छोड़ सकता, वो व्यक्ति कभी मंदिर नहीं छोड़ सकता कभी नहीं छोड़ सकता, क्यों
उसको अनुभूति एक होता है ना, एक व्यक्ति रसगुल्ला खाया, एक व्यक्ति रसगुल्ला नहीं खाया, जो रसगुल्ला नहीं खाया वो सुना रसगुल्ला बड़ा मीठा, बोले रसगुल्ला कैसे है, बोले सुना मीठा है, वो जो बोलेगा ना उसको मुँह से नीरस जैसे शब्द निकले, हाँ रसगुल्ला मीठा, लेकिन जो खाया उसको बोलो रसगुल्ला कैसे, रसगुल्ला बड़ा मीठा है, आप देखना उसका मुँह से पानी आ जाए, उसको मुँह से पानी आ जाए, कारण है उसने रसगुल्ला खाया है। देखो उसी तरह भगवान के नाम कथा जो भजन है, अगर जिसको अनुभूति होगा, जिसको अनुभूति होगा कथा की अनुभूति, भक्ति की अनुभूति, उसको कथा भी एक अलग करेगा। इसलिए क्यों कहते साधु संग करो सतांग प्रसंगात मम वीर जैसा भी, तो कथा किसे सुननी चाहिए, जो साधु से जो भजन करते हैं उनसे कथा सुननी चाहिए, क्यों उनकी जो कथा है ना, उनकी जो कथा है विजयवती कथा है, और वो कथा सुनने से उनका नाम में भक्ति में भजन में अपने आप तुम्हारी रुचि हुई, अपने आप रुचि हुई। इसलिए हमारे जो भक्ति नारायण गोसाई उनकी कथा सुनकर इतने सब बच्चे भक्ति क्यों किए, और इतने लोग भक्ति के कोई क्यों किए, कारण क्या है, कारण क्या है, और जो सुनाना घर में रहते हुए भी जो कथा सुन लिया वो जिंदगी भर घर में रहते हुए शादी नहीं कर रहा है, जीत को देखो जिंदगी शादी नहीं किया, और हमारे घर में रहते हुए भी देखो साधु से बड़े हैं, हमारे श्री संजय प्रभु जी का देखो रहते हुए भी देखो संपूर्ण रूप में कैसे हैं, संपूर्ण रूप में कैसे समर्पित होकर के गुरु वैष्णव सेवा भगवान भक्ति में संपूर्ण डूबे हुए एकदम उसमें डूबे हुए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं हरि नाम कुछ समय बैठ कर करो, आंसू बहाते हुए रो रो कर करो, तभी जिंदगी में कभी भजन आप कभी छोड़ेंगे नहीं, कभी नहीं छोड़े, क्यों हमारे स्वयं अनुभूति कोई कर बोलेगा अरे कुछ नहीं होता है, इतना दिन सुने रहा क्या हुआ, उसको देखो क्या हुआ, बस हम वही एग्जाम बोल लेते हैं। लेकिन जो अच्छा स्टूडेंट होता है ना वो फेल बच्चों का जो एग्जाम नहीं लेता है, वो लेता है उसमें जो पास किया हुआ, अरे ये देखो उसके बच्चा ने एकदम बोर्ड में लिस्ट मिलाना उसको हम भी, और जो फेल बच्चे हैं ना हाँ बोले हमको भी फेल हो गया, वो भी फेल हो गया, इसलिए मैं भी फेल, वो जो आदर से लेगा फेल बच्चों का आदर से लेगा, और वो संग किसको करेगा, वो संग अच्छे व्यक्ति का संग नहीं करेगा, क्यों फेल उसका मन भावना फेल है ना, वो ऐसे अब देखना मंदिर में भी हमने देखा जिसका थोड़ा मन खराब हो जाएगा ना भजन से, वो जो थोड़ा उचित वैष्णव है जिनको पास में जाने पर उत्साह हो जाएगा प्रेरणा देगा उनको पास में नहीं जाएगा, वो जाएगा जिसका मन खराब है, हैं जो स्वयं भजन नहीं कर रहा है भक्ति से फेल है उसको पास में जाएगा, उसके पास में बैठेगा ऐसे ऐसे हाँ ऐसे ही सब बेकार सब बस, उसका अगर थोड़े बहुत मन खराब है ना बस उसको सपोर्ट मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी तो हाँ सब बेकार सब भजन बस कुछ नहीं होता, चलो घर में जाकर कमाए कमाई करेंगे वहाँ पर पैसा रोजगार करके बस मन के अंदर भी ये भावना आ जाती है। इसलिए हरि नाम, इसलिए महाप्रभु कहते जय रूप लय नाम प्रेम उपजय, जैसे करने से प्रेम होता है स्वरूप लक्षण सुनराऊंगा उसका स्वरूप लक्षण को सुनो, इसलिए हरिनाम कैसे करनी चाहिए एकाग्र मन से कुछ समय तक बैठ करके रो रो करके मंत्र लगा करके हृदय से उकार करके करो, आप देखना आप कुछ अनुभूति होगी ना, हजार लोग बोलने पर भी आपका मन कभी खराब नहीं होगा, बल्कि आप उसको समझा दोगे नहीं बेटा ऐसे नहीं, सब ऐसे नहीं होते, हमारे गुरुवर्ग क्या है सबके सब बेकार है सबके सब, देखो सारे गुरुवर्ग का नाम को देखो सबके सब भजन करके भगवत प्राप्ति की है सबके सब भक्ति, फिर स्वयं दृढ़ होगा दूसरों को भी दृढ़ बना सकता है, नहीं तो थोड़ी सी सुन कर मन खराब हो जाएगा। इसलिए कहते नामार्थ चिंता सदा धैर्य श्रय कर, हरि नाम करते समय नाम का अर्थों को चिंतन करते हुए अपना धीरज को धारण करते हुए नाम को आदर करते हुए क्या करनी चाहिए आदर करते करते, इसलिए भक्तिमन ठाकुर कहते हैं अनु दिन जिन तप नाम गाई क्रमे ते कृपाय तब, है इसलिए कहते अनु दिन जिन तप नाम गाई, धीरे 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 तुम्हारी नाम को ग्रहण करते करते क्या होगा अपराध जावे नाम में रुचि होगी, सारे अपराध दूर चल जाएगा, एक दिन भक्त का नाम में हमारी रुचि हो जाएगी, बोले रात्रि दिनों निद्रा निर्विघ्न निर्भय मित भू प्रशांत निर्जन चिंता, क्या करना हरिनाम कैसे करनी चाहिए, ज्यादा मत खाया मित भू
मित्रों को मतलब होता है जैसे हमें सवेरे उठकर हरिनाम करना, रात को अगर नियम से जल्दी जल्दी प्रसाद खा लेनी चाहिए, फिर क्या होगा सवेरे सवेरे ना ठीक अपने आप खुल जाए। इसलिए इस पर में देखो क्या करते हैं, सूर्य अस्त होने से पहले प्रसाद सवेरे देखना, अपने आप तुम सो ही नहीं सकते हो, तुम्हें नींद ही नहीं आएगी जल्दी, अपने आप तुम्हारी नींद खुल जाएगी अपने आप। नहीं क्यों, टाइम से एक तो टाइम से सोए और टाइम से अपने उठे हैं, आप देखना मन भी भजन में लगेगा। नहीं तो अगर ज़्यादा रात खाई और रात को सोए फिर सवेरे तो आँखें नहीं खुली, आँखें नहीं खुली, इसलिए जल्दी जल्दी खा करके सवेरे रात को जल्दी जल्दी विश्राम कर लेनी चाहिए। मेरे परमेश्वर को वो दो बार खाते हैं, एक तो सवेरे जो नाश्ता करते हैं, नाश्ता जो करते हैं थोड़ी सी लेट कर कर लेते हैं, फिर शाम को 5 बजे खा लेते हैं, दोपहर का प्रसाद लेकर फिर 5 बजे, और रात का एक गिलास दूध भी कर सो, इसलिए सवेरे आसानी से नींद खुल जाती है, और आसानी से नींद खुल जाती है और आसानी से बैठ करके उठ करती है। मैं जब वृंदावन में रहता था मैंने देखता था, जब मैंने कभी बीच में पेशाब करने उठे ना कभी कभी मैं देखता प्रभु का घर में लाइट लाइट मैंने कहा इतनी जल्दी कैसे उठ गए, अभी कैसे लाइट चल रहा है नहीं उस समय उठ करके ना दोगे पास माला लेंगे। वो इसलिए वो माला कर रहे हैं ना, हरिनाम कर रहे हैं, इसलिए दूसरों के बच्चों को भी हरिनाम उत्साह कर रहा है। क्यों, खुद कर रहा है, जो खुद करेगा ना जिसको टेस्ट लगेगा दूसरों को भी उत्साह दे सकता है, तभी वहाँ के बच्चे इतने उत्साहित होकर के सफर सफर उठ कर तभी तो कर रहे हैं, वो स्वयं उठते हैं, इसलिए दूसरों को अंदर भी उत्साह देते हैं, तुम भी ऐसे हरिनाम करो, माला पहले आरती से पहले उस माला को खत्म कर। पिताई गौर प्रकानंद हरि हरि हो, कल से सुनेंगे बहुत अच्छे अच्छे बात। कौन सा ग्रंथ है हरिनाम? ये नहीं हरिनाम चिंता में, ये इसका नाम हरिनाम महिमा ग्रंथ, ये प्रभुपाद, ये प्रभुपाद ने कुछ कुछ संग्रह करके प्रभुपाद का समय भी ये ग्रंथ लिखा, बहुत सुंदर। और ये जो ग्रंथ है हरिनाम चिंता में वो अलग ग्रंथ, इसमें भजन रहस्य का कथा है और हरिनाम चिंता में प्रसन्न दिया, अलग अलग शास्त्र से अलग अलग प्रोफेशन थे, ये प्रभुपाद का समय से निकला हुआ ग्रंथ, और प्रभुपाद इसके बाद में प्रभुपाद स्वयं कुछ उपदेश दिए हरिनाम कैसे करनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, R